लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आए हुए बीएसपी संगठन व प्रबुद्ध वर्ग में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी कार्यकर्तागण एवं महिलाएं तथा मीडिया बंधुओं, सबसे पहले मैं बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र एवं उनकी पूरी टीम का तथा साथ ही प्रबुद्ध वर्ग में से खासकर ब्राह्मण समाज के पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारियों का तथा पार्टी संगठन के भी सभी मुख्य सेक्टर प्रभारियों एवं जिला अध्यक्षों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने आपसी तालमेल व सूझबूझ के साथ बीजेपी व इनकी सरकार के हर चुनौती एवं हथकंडों आदि का मुकाबला करके यहाँ पहले चरण के तहत प्रबुद्ध समाज के किए गए अपने सभी जिला स्तरीय कार्यक्रमों को जबरदस्त कामयाब बनाया है। और इन कार्यक्रमों में मेरे दिशा निर्देशन में श्री एससी मिश्र ने प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में वे प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। हालांकि इस मामले में मुझे अपने दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से ये गर्व रहा है कि इन्होंने बिना गुमराह व बहकावे आदि में आए हुए पार्टी के कठिन से कठिन दौर में भी अपनी पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ा है। अर्थात ये लोग एक मजबूत चट्टान की तरह हमेशा अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ ये भी उम्मीद करती हूँ कि बीएसपी से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लोग भी इनकी तरह अब आगे कभी भी गुमराह नहीं होंगे तथा ना ही किसी के बहकावे में व ना ही किसी के प्रलोभन आदि में भी आएंगे। जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में चाहे यहाँ सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों, अकलियतों व प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है, जो अभी भी जारी है, जिससे दुखी होकर अब ये ब्राह्मण समाज के लोग भी प्रदेश के नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, गली गली, कूचों व चौराहों आदि में ये खुलकर कहने लगे हैं कि इन सभी पार्टियों की सरकारों की तुलना में बीएसपी का शासनकाल हर मामले में वह हर स्तर पर कई गुना बेहतर रहा है। लेकिन हमने बीजेपी के प्रलोभन भरे
वायदों के बहकावे में आकर इस बार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहुत बड़ी गलती की है। जबकि बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं, साथ ही इन पर कोई भी जुल्म जाति आदि नहीं होने दी है तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने तथा सरकार बनने पर मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया है और इन सब बातों का एहसास कराने तथा इन्हें फिर से बीजेपी व अन्य पार्टियों के भी बहकावे में नहीं आने तथा इनके विकास एवं उत्थान आदि के लिए भी इन्हें पुनः पार्टी में जोड़ने के लिए बीएसपी द्वारा वे मेरे दिशा निर्देशन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में दिनांक 23 जुलाई सन 2021 से प्रबुद्ध वर्गों की विचार संगोष्ठी करने का कार्यक्रम अयोध्या से शुरू किया गया है और पहले चरण का ये कार्यक्रम प्रदेश के लगभग सभी जिलों में काफी सफल रहा है, जिसका आज मेरे द्वारा समापन भी किया जा रहा है। वैसे पार्टी के इस पहले चरण के कार्यक्रम को विफल करने के लिए बीजेपी व इनकी सरकार ने हर प्रकार के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडे भी खूब इस्तेमाल किए हैं, जिसमें इनको ज्यादातर निराशा ही हाथ लगी है। साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि श्री एससी मिश्र ने पूरे प्रदेश में अपने हर कार्यक्रम के दौरान पार्टी की सरकार बनने पर विशेषकर ब्राह्मण समाज के हित एवं कल्याण को लेकर जो कुछ भी कहा है तो उस पर आप लोगों को जरूर विश्वास करना चाहिए। और आज मैं खुद भी प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा तथा इनको किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ वे अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी, जिसके लिए अब इन लोगों को भी यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2007 की तरह ही बीएसपी से पुनः हर स्तर पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से खुलकर जुड़ना होगा। और इसके लिए श्री एससी मिश्र ने भी पार्टी के हर कार्यक्रम में विशेषकर अपने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से जोड़ने का हर संभव पूरा पूरा प्रयास किया है, जिसमें हमें काफी हद तक सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। और अब दूसरे चरण के तहत पार्टी के मंडल व विधानसभा स्तर पर बनाए गए सभी पदाधिकारियों को शहरों व गांवों आदि में जाकर अपने ब्राह्मण समाज को युद्ध स्तर पर बीएसपी में जोड़ना है, अर्थात अब इन्हें भी हर स्तर पर पार्टी को सहयोग देकर फिर से यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना है। इसके साथ ही अब इनको दूसरे चरण के तहत प्रत्येक विधानसभा के शहरों, कस्बों व गांवों आदि में जाकर
पहले अपने विशेषकर ब्राह्मण समाज के कम से कम 1000 सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना है प्रत्येक विधानसभा में, तथा इन्हें बीएसपी का सदस्य भी जरूर बनाना है, साथ ही इनकी सूची भी तैयार करनी है, और सबसे पहले इनको रिजर्व सीटों पर ये कार्य करना है, उसके बाद फिर इनको सामान्य सीटों में भी ये कार्य करना है, जिनका फिर बंद जगह पर श्री एससी मिश्र व ब्राह्मण समाज के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा भी कैडर कैंप लिया जाएगा, ताकि फिर वे अपने अपनी विधानसभा में विशेषकर अपने ब्राह्मण समाज को बीएसपी से सही से जोड़ सके। इसके साथ साथ पहले चरण के तहत शहरों में प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को भी तैयार किया जाएगा, जिनकी जिम्मेवारी हमने श्री एससी मिश्र की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा की पूरी टीम को सौंप दिए है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में पहले चरण के तहत खासकर रिजर्व सीटों को तैयार कर रहे पदाधिकारियों को भी ओबीसी व मुस्लिम समाज एवं क्षत्रिय समाज के लोगों को भी पूरे जी जान से उन्हें जोड़ने में लग जाना है, क्योंकि अब चुनाव का समय बहुत कम रह गया है। और अब मैं इस मौके पर मीडिया बंधुओं को भी अपनी पार्टी के संबंध में ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि बीएसपी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सोच व सिद्धांतों पर चलने वाली देश की अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि बीएसपी जो कहती है तो उस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल भी करती है। यही बीएसपी की खास राजनीतिक पहचान भी है, और इसी आधार पर यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने अपनी चार बार बनी सरकार भी चला कर दिखाई है, और इस दौरान हमने सभी जाति व धर्म के लोगों की सुरक्षा, सम्मान एवं तरक्की आदि पर पूरा पूरा ध्यान दिया है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी ने दूसरी पार्टियों की तरह ना तो कभी हवा हवाई बातें की हैं, तथा ना ही चुनाव के समय में किस्म किस्म के प्रलोभन भरे आश्वासन आदि देकर जनता को छलने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही हमारी पार्टी के चारों रही सरकारों ने हमेशा यहाँ सर्व समाज के हित एवं कल्याण में जमीनी तौर पर ही कार्य करके दिखाए हैं। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में जब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के सहयोग से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की यहाँ प्रदेश में पहली सरकार बनी थी, तो तब उनके विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए सरकार बनते ही हमने बिना मांग किए ही सामान्य वर्ग के लिए यानी कि अपर कास्ट समाज के लिए सरकारी भर्ती पर वर्षों से लगे प्रतिबंध को तत्काल हटा के उन्हें बड़ी संख्या में स्थायी सरकारी नौकरी दिए जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित की। साथ ही पुलिस विभाग में 2 लाख से अधिक नए पद सृजित करके उन पर नियुक्ति करने का भी ऐतिहासिक काम किया, जिससे सभी वर्गों व धर्मों के लोगों को काफी लाभ पहुंचा है। इसके अलावा प्रदेश के सभी गांवों के लिए, देहातों के लिए एक सरकारी सफाई कर्मचारी नियुक्त करने की नई सरकारी व्यवस्था लागू करके एक मुश्त लगभग 1,10,000 स्थायी नियुक्तियां पंचायत विभाग में की गई, जो ये भी एक अति महत्वपूर्ण उठाया गया कदम था। साथ ही विशेष अभियान के तहत सरकार के अधिकांश विभागों में रिक्त पड़े पदों को भी भरा गया। इस प्रकार से कुल मिलाकर बीएसपी की सरकार में किसी भी जाति व धर्म के लोगों के साथ
कभी भी हमने कोई जुल्म जाति अन्याय अत्याचार व उनका शोषण आदि भी नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज भी स्थापित किया है। इतना ही नहीं बल्कि अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज को भी अन्य समाज की तरह ही पार्टी व सरकार में हर स्तर पर उचित भागीदारी देकर उनको पूरा पूरा मान सम्मान एवं सुरक्षा आदि प्रदान की गई तथा जिस पर कभी भी कोई समझौता नहीं किया गया है। लेकिन ठीक इसके विपरीत सन 2012 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद जब सपा की सरकार बनी तो तब उस पार्टी की कथनी व करनी में अंतर होने तथा जातिगत द्वेष एवं दुर्भावना आदि होने के कारण सर्व समाज में से ब्राह्मण समाज को भी काफी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न व शोषण आदि होने का शिकार होना पड़ा, जिससे दुखी होकर फिर ये लोग सपा सरकार से मुक्ति पाने के लिए भाजपा की बड़ी बड़ी बातों के बहकावे में वे प्रलोभन आदि में आ गए और उनको अपना वोट देकर उनकी भारी बहुमत की सरकार बड़ी उम्मीदों के साथ बनवा दी, जिस पर ये सरकार अभी तक भी खरी नहीं उतरी है। और अभी इस भाजपा सरकार के शासन काल में भी उन पर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार शोषण व द्वेषपूर्ण कार्रवाई आदि होनी कम नहीं हुई है, बल्कि उनके विरुद्ध दिल दहलाने देने वाली ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो देश भर में चर्चा का विषय रहा है, जिससे अब प्रबुद्ध वर्ग में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा सरकार की ऐसी गलत नीतियों व उनकी जातिवादी एवं द्वेषपूर्ण कार्यशैली आदि से काफी ज्यादा दुखी व त्रस्त ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा आक्रोशित भी हैं, गुस्से में भी हैं, जिसे ध्यान में रखकर ही फिर बीएसपी ने इनकी सुरक्षा सम्मान व तरक्की आदि को लेकर पहले चरण के तहत यूपी के लगभग सभी जिलों में विचार संगोष्ठी के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जो बीजेपी व उनकी सरकारी बाधाओं के बावजूद भी जबरदस्त सफल रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन सभी कार्यक्रमों में इस वर्ग के लोगों की लगातार उत्साहपूर्ण व धमाकेदार हुई भागीदारी ने सभी बीएसपी विरोधी पार्टियों को काफी चिंतित व बेचैन भी करके रख दिया है, जिसके कारण ही अब बीजेपी भी यहाँ बीएसपी की तर्ज पर प्रबुद्ध वर्ग के तथा महिलाओं आदि के भी सम्मेलन करने में जुट गई है। इसके साथ ही अपनी आदत से मजबूर अब ये लोग इस वर्ग को गुमराह करने के लिए रोजाना नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि इस्तेमाल करने में लगे हैं, किंतु प्रबुद्ध वर्ग व इनमें भी विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोग अब सत्ता परिवर्तन के लिए यानी कि फिर से यहाँ बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए काफी हद तक अपना मन बना चुके हैं, जिसे रोकना अब किसी के लिए भी संभव नहीं लगता है, चाहे अब ये पार्टियां बीएसपी की कितनी भी नकल क्यों ना कर लें। और अब मैं पहले चरण के इस कार्यक्रम के समापन पर तथा दूसरे चरण के कार्यक्रम की भी शुरुआत करने के मौके पर मीडिया के जरिए प्रदेश के सभी वर्गों व धर्मों के लोगों से यही अपील करती हूं कि वे अपने परिवार के हित एवं कल्याण के लिए तथा उनके जान माल व ईमान की सुरक्षा एवं मान सम्मान आदि के साथ साथ बेहतर भविष्य के लिए भी दलित समाज की तरह वे उनसे प्रेरणा लेकर पूरे तन मन धन से बीएसपी से जरूर जुड़े। जो ये दलित समाज मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपना खास आदर्श मानकर विरोधी पार्टियों के किसी भी प्रलोभन व बहकावे आदि में कभी भी भटके बिना तथा उनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों का भी काफी डटकर सामना करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की
एकमात्र अनुयायी पार्टी, वे उनके मजबूत नेतृत्व के साथ हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, जो ये हमारी पार्टी के लिए काफी गर्व की भी बात है। इसके साथ ही अब मेरा अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों से भी ये वायदा है कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों आदि की तरह इनके भी हित व कल्याण, मान सम्मान, ईमान, सुरक्षा एवं रोटी रोजी आदि का भी पूरा पूरा ध्यान जरूर रखा जाएगा। इसके अलावा आज इस मौके पर यहाँ मैं किसानों के संबंध में भी मीडिया को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीएसपी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए बीजेपी ने मैं इसके अलावा यहाँ मैं इस मौके पर किसानों के संबंध में मीडिया बंधुओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए किसानों की आमदनी दोगुना करने का वायदा किया था, वह तो नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर 3 काले कानून लादकर उन्हें उनकी जमीन से भी वंचित करने का काम किया है। आज लगभग 1 वर्ष से पूरे देश का किसान आंदोलित है। बहुजन समाज पार्टी भी संसद से लेकर बाहर भी उनके इस आंदोलन के साथ खड़ी है और इस आंदोलन के दौरान करीब 500 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है, परंतु सरकार को भी कोई लेकिन परंतु सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा ये आदेश दिया गया कि इन आंदोलनकारियों के सर लाठी से फोड़ दो, जिसके बाद वहां के डीएम ने किसानों के सर पर लाठियां बरसाई, जिससे एक किसान की मृत्यु भी हो गई और फिर वहां के सीएम ने इस कार्यों को सही ठहराया। इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने तो सिर्फ झूठा वायदा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हमने तो ऐसा करके दिखाया है, अर्थात अपनी हुकूमत में किसानों की आय दोगुना करके दिखाई है। और इस मामले में किसानों को ये मालूम है, उत्तर प्रदेश के किसानों को ये मालूम है कि सन 2007 में किसानों को गन्ने का मूल्य सिर्फ 125 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था मेरी गवर्नमेंट बनने से पहले। हमने उसे हर साल बढ़ाया, जब मेरी गवर्नमेंट बनी तो हमने उसे हर साल बढ़ाया और जब हमने सरकार छोड़ी थी तो तब उसका मूल्य दोगुना हो चुका था, अर्थात हमने उसे 250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया था। परंतु ठीक इसके विपरीत सन 2012 से सन 2017 के दौरान जबकि सपा की सरकार थी तो पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में केवल 1 बार मामूली सी बढ़ोतरी की गई थी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो उसने तो सन 2017 से 2021 के बीच में यानी कि अपने लगभग पूरे 5 साल में 1 भी रुपया नहीं बढ़ाया है, जबकि झूठे वायदे करके इस पार्टी ने किसानों का वोट लेते वक्त ये कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुना बढ़ा देंगे। इसके साथ ही आज मैं फिर से किसानों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिया जाएगा, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर जबरन थोपे गए 3 कृषि कानूनों को यहाँ कतई भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही मैंने दिनांक 30 जुलाई 2021 को वित्त विहीन प्रबंधक एवं शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल से मिलने पर वे उनकी सभी मांगों को सुनने के बाद तथा उनकी सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए हमने इस मामले में ये भी तय किया है कि सन 2022 में बीएसपी की सरकार बनने पर तुरंत एक आयोग गठित किया जाएगा और इस आयोग के माध्यम से
अति शीघ्र रिपोर्ट लेकर इनके सभी जायज मांगों का स्थायी हल निकाला जाएगा और खास तौर से जो पात्र शिक्षक एवं कर्मचारी इन स्कूलों में कार्यरत हैं तो उन्हें सम्मानजनक मानदेय देने की भी व्यवस्था की जाएगी तथा इनकी सेवा नियमावली भी बनाई जाएगी। इसके अलावा मुझे संस्कृत विद्यालयों के संबंध में भी ये मालूम हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारी संस्कृत विद्यालय हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सरकारी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिस कारण अब लगभग 50% संस्कृत विद्यालय बंद हो गए हैं तथा बाकी विद्यालय भी बंदी के कगार पर हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने पर फिर इन सभी संस्कृत विद्यालयों को सरकारी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें पुनः संचालित किया जाएगा तथा अध्यापकों व अन्य स्टाफ के खाली पड़े सभी पदों को भी यथाशीघ्र भरा जाएगा। मुझे कल मीडिया के जरिए ये भी मालूम हुआ है कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं वे मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी या हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है, ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही मुसलमानों का वोट फिर इनको अपनी सरकार में तबाह व बर्बाद करने के मामले में भी सपा व कांग्रेस पार्टी भी कोई कम नहीं है। खासकर पश्चिमी यूपी का मेरठ मलियाना कांड व मुजफ्फरनगर कांड को यहाँ के मुस्लिम लोगों को जल्दी से भूलना नहीं चाहिए, ये भी मेरी उनसे खास अपील है। और इस मामले में वैसे ये बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी जो कहती है वह करके भी दिखाती है। और अब मैं मीडिया बंधुओं को अपने खुद के बारे में भी ये बताना चाहती हूँ कि मैं 2 फरवरी सन 2021 से लगातार यहाँ लखनऊ में स्थित हूँ, मौजूद हूँ और आए दिन मैं पार्टी के छोटी बड़ी बैठकें लगातार यहाँ ले रही हूँ। मीडिया आदि में भी मैं बीच बीच में जरूरत अनुसार अपनी पार्टी का स्टैंड रखती रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ खासकर कुछ जातिवादी मानसिकता वाला मीडिया मेरे बारे में अक्सर यही चर्चा करता रहता है कि बीएसपी प्रमुख अभी बाहर क्यों नहीं निकल रही है, जबकि वास्तव में इसका मुख्य कारण कोरोना नियमों की आड़ में भाजपा की सरकारी मशीनरी द्वारा अपनी पार्टी के लोगों पर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत की जाने वाली उनकी जबरदस्ती की कार्रवाई से उन्हें बचाना है। जैसा कि पार्टी के किए गए प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रमों में हमें ऐसा काफी कुछ होते हुए देखने के लिए मिला है। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी से जुड़े प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को बहुत कम संख्या में इन कार्यक्रमों में इन्हें आने दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे ऐसे कार्यक्रम में इनके लाख रोकने के बावजूद भी पार्टी के लोग बड़ी संख्या में आने से कतई भी रुकने वाले नहीं हैं। और फिर यही होता यदि मैं चली भी जाती फील्ड में तो यही होता कि हमारी पार्टी के लोगों पर अब तक काफी भारी तादाद में एफआईआर दर्ज हो जाती है और ऐसा हो जाने पर फिर हमारी पार्टी के ये लोग खासकर चुनाव के समय में अपने अपने क्षेत्र के पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जिताने की बजाय बल्कि वे ज्यादातर कोर्ट कचहरी व थानों आदि में ही अपना समय बर्बाद करते रहते, जिसे खास ध्यान में रखकर ही फिर मजबूरी में मुझे अपनी पार्टी की चुनावी तैयारी अपने लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय से तथा फिर अपने निवास स्थान पर बने पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय से ही करनी पड़ी है। और इसलिए ही आज प्रबुद्ध वर्ग का समापन कार्यक्रम भी हमें मजबूरी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रखना पड़ा है। हालांकि हमारी ये दिली तमन्ना थी
कि पहले चरण का ये जो कार्यक्रम है समापन कार्यक्रम, तो ये रमाबाई अंबेडकर मैदान में किया जाता। हमारी ये दिल्ली तमन्ना थी, लेकिन हमने मुझे जब ये जानकारी मिली कि काफी जगह इन्होंने संख्या निर्धारित कर दी थी, जब प्रबुद्ध वर्ग के प्रोग्राम हो रहे थे श्री एस सी मिश्र जी के, तो कुछ जगह इन्होंने जान पूछ कर तो ये संख्या निर्धारित कर दी थी कि 50 से ज्यादा लोग प्रोग्राम में नहीं आएंगे। अब यदि हम लोग रमाबाई अंबेडकर मैदान में परमिशन भी ले लेते हैं और उस पे ये कह देते कि 100 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, तो रमाबाई अंबेडकर मैदान में जो स्टेज बनी हुई है इतने लोग तो उसी पे ही आ जाते। फिर बाद में लिखते मीडिया के जरिए, बाद में उसको पब्लिश करते करवाते कि जो प्रबुद्ध वर्ग का जो समापन प्रोग्राम है वो बुरी तरीके से विफल हो गया है, फेल हो गया है। फिर ये भी प्रचार करते, इनके इन सब हथकंडों को ध्यान में रखकर ही फिर हमने आज प्रबुद्ध वर्ग का समापन कार्यक्रम भी हमें मजबूरी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रखना पड़ा है। लेकिन चुनाव घोषित होने पर फिर ये सरकार पार्टी के प्रोग्राम में हमारे लोगों के आने की संख्या पर जल्दी से रोक नहीं लगा सकती है, क्योंकि ऐसा किए जाने पर फिर सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग में जाकर इसकी शिकायत कर सकती हैं, अर्थात फिर ये लोग भीड़ को आसानी से रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें चुनाव घोषित होने से पहले अब बहुत ही संभल कर चलना होगा। इसके साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, पार्टी के सभी लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगले महीने 9 अक्टूबर को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक माननीय श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके आदर सम्मान में वे इनके नाम पर यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा भारी स्मारक स्थल भी बनाया है। और पिछले कई वर्षों से इस मौके पर आप लोग यहाँ लखनऊ आकर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इसके स्थान पर आप लोग लखनऊ मंडल को छोड़कर बाकी मंडलों में मंडल स्तर पर विचार संगोष्ठी के जरिए इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के विशेष आग्रह पर इस बार आप लोग पूरे प्रदेश से यहाँ लखनऊ आकर माननीय श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अर्थात इस बार आप लोग मंडल स्तर पर कोई भी प्रोग्राम नहीं करेंगे, बल्कि पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में आकर आप लोग इनको लखनऊ में जहाँ माननीय श्री कांशीराम जी का स्मारक स्थल बना है वहाँ आकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आप लोगों के साथ साथ फिर मैं खुद भी उस दिन माननीय श्री कांशीराम जी के स्मारक स्थल पर पहुंचकर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगी तथा आप लोगों का भी आभार प्रकट करूंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार आप लोग पूर्व की तरह अपने अपने मंडल में इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम नहीं रखेंगे, बल्कि आप लोग प्रातः 8 बजे से ही लखनऊ के स्मारक स्थल पर पहुंचकर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही आप लोग यहाँ अपने आने के दौरान जब आप लोग 9 अक्टूबर को स्मारक स्थल पर पहुंचेंगे, तो इसके साथ ही आप लोग यहाँ अपने आने के दौरान अपने खाने का भी खुद ही प्रबंध करके लाएंगे। इसके बाद अर्थात श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद फिर आप लोग अनुशासित तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में वापिस चले जाएंगे। पार्टी के जिम्मेवार लोग इसके लिए इनकी पूरी पूरी मदद भी करेंगे, लेकिन लखनऊ में आते व वापिस जाते समय भी पार्टी के लोगों को कोरोना नियमों का भी पालन करना बहुत जरूरी है। वैसे भी अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि पूरी दुनिया में वे अपने भारत देश में भी कब और नई बीमारी आ जाए, लेकिन कुदरत से तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि अब कोरोना की तरह आगे कोई भी नई बीमारी अपने भारत देश में या दुनिया में ना आए। हालांकि अब तो वैसे भी किसी का कोई भरोसा नहीं कि अब कौन
स्वस्थ व्यक्ति भी अचानक दुनिया से चला जाए, जैसा कि अभी हाल ही में एक युवा वे स्वास्थ्य के मामले में एकदम स्वस्थ फिल्म कलाकार का अचानक मौत के मुंह में चले जाना हमें देखने को मिला है। ऐसे हालातों में अब हमें कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सरकारी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए 9 अक्टूबर को लखनऊ में पार्टी के लोग मास्क लगा कर ही आएंगे। जब आप लोग इधर लखनऊ आएंगे 9 अक्टूबर को, तो कोई भी बिना मास्क लगाए हुए लखनऊ में स्मारक स्थल पर नहीं पहुंचेगा। आप लोग सब अपना मास्क लगाकर जरूर आएंगे। और इस संदर्भ में और भी जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए मैंने प्रदेश के सभी मंडलों के पार्टी संगठन के केवल मुख्य सेक्टर प्रभारियों की, जो पूरे मंडल को देख रहे हैं, जिलों को नहीं जो पूरे मंडल को देख रहे हैं उनके, तथा सभी 75 जिला अध्यक्षों की भी कल प्रातः 11 बजे से यहाँ प्रदेश कार्यालय में अति जरूरी बैठक भी बुलाई है, जिसको मैं खुद ही लेने वाली हूँ। और अब मैं पहले चरण के तहत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में प्रबुद्ध वर्ग के किए गए कार्यक्रमों का, जो जबरदस्त सफल रहे हैं, इसके पहले चरण का समापन करते हुए अपनी बात को यही विराम देती हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को फिर से ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस बार जब बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी सन 2007 की तरह, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस प्रकार सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और हमने अपने पूरे कार्यकाल में सर्वजन हिताय अपनी सरकार की हर नीति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर बनाकर जो सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा पूरा ध्यान रखा है, तो मैं आपको ये वायदा करती हूँ, विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोगों को जब आपकी ये सरकार फिर से बन जाएगी, तो आप लोगों को सन 2007 के दौरान जैसे हमारी सरकार बनी, जिस प्रकार से हमने आप लोगों के हितों का, अकेले दलितों का नहीं, पिछड़ों का नहीं, अकलियतों का नहीं, बल्कि अपर कास्ट समाज के लोगों का भी, और अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों का भी, क्योंकि उस चुनाव में इनका बढ़ चढ़कर योगदान रहा है, तो हमने सर्व समाज के हितों का हर स्तर पर हर मामले में पूरा पूरा ध्यान रखा है और उत्तर प्रदेश को बेहतरीन कानून व्यवस्था दी है। अभी हमारी महिलाएं इधर आई हुई हैं बड़ी तादाद में, लेकिन वर्तमान सरकार में और पिछली सपा सरकार में भी आप लोगों को देखने के लिए मिला है कि हमारी महिलाएं दिन छिपे के बाद वो अकेले अपने घर से आज भी वो नहीं निकल सकती है। चाहे वो बीजेपी के लोग जो वर्तमान गवर्नमेंट है, मुझे चाहे वो कितना भी नाटकबाजी क्यों ना कर ले, क्योंकि मुझे ये मैंने एक चैनल देख रही थी, हिंदी चैनल, तो उसमें बीजेपी वाले एक भाभी जी को लेकर घूम रहे थे, तो वो औरतों में जाकर महिलाओं में जाकर पूछ रही है कि ये वर्तमान भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। वो प्रायोजित तरीके से वो महिलाएं चयनित कर लेती है, उनसे फिर वो अपने पक्ष में सरकार वो हवा बनाती है, तो ये भी आप लोग देख रहे हैं। तो बिहार के तर्ज पर ये कर रहे हैं, अभी पता नहीं एक नहीं कितनी भाभियों को लेकर ये घूम ले, अब महिलाएं इनके चक्कर में जल्दी से आने वाली नहीं है, इनके बहकावे में जल्दी से आने वाली नहीं है। और इसके साथ ही मैं मीडिया बंधुओं को और आप सभी लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मेरी पूर्व की रही चारों सरकारों में खास तौर से दलित आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्ग में जो समय समय पर संत गुरु और महापुरुष हुए, जिन्होंने इस देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी जिंदगी
पूरी पूरी जिंदगी समर्पित की, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। वो हमारे संत गुरु और महापुरुष किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे। वो हमारे संत गुरु और महापुरुष इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। आज उन्हीं के ही बताए हुए रास्तों पर चलकर बहुजन समाज पार्टी इस कार्य में लगी हुई है। पूरे देश में हम लोग समता मूलक समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए हमारी पार्टी कोई एक जाति विशेष की नहीं है, एक धर्म विशेष की नहीं है, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। ये सर्व समाज की पार्टी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने ऐसे जो संत गुरु और महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश में समता मूलक समाज व्यवस्था बनाने की कोशिश की, तो मेरी चार रही सरकारों में, मैंने अपनी चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर्श सम्मान में, तो दिल्ली के नजदीक नोएडा में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियां आदि स्थापित की, ये आप लोगों को मालूम है। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। अब तो जब आगे सरकार बनेगी केवल उनके रखरखाव का ध्यान रखा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आगे पांचवी बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। बच्चा बच्चा ये कहे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दिया है, तो मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने में लगेगी। लेकिन यहाँ मैं सभी धर्मों के लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि कुछ धर्म के लोग ये चाहते हैं कि उनके भी संतों गुरुओं को आदर सम्मान मिले, तो उनको भी मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। दलित, पिछड़े वर्ग और आदिवासी समाज में जो संत गुरु महापुरुष हुए हैं उनको तो मैंने आदर सम्मान देकर अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन इसके अलावा अन्य वर्गों में से जो लोग ये चाहते हैं कि हमारे संतों, गुरु और महापुरुषों का भी आदर सम्मान किया जाए, तो उनकी धार्मिक भावनाओं का खास तौर से हम लोग सम्मान करते हुए उनको भी पूरा पूरा आदर सम्मान दिया जाए, ये भी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। अब मैं अंत में आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए खास तौर से जो हमारे संत गुरु और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को, इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदलकर समता मूलक समाज व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने लगा दी, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनको मैं नमन करते हुए अब आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत।